हमारी रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक्स लेबोरेटरी जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे आपका सबका स्वागत है। मेरा नाम मिलिंद दत्त है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पे डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो एक नाइट्रोजन को लिक्विफाई करने का प्लांट है, मशीन है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर से हवा लेके हम उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सेपरेट करते हैं और नाइट्रोजन आगे जाके उसको हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन तैयार करते हैं। मगर अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमने क्या सोचा है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बनाया है जिसके कारण हम नाइट्रोजन को बाहर फेंक देंगे और ऑक्सीजन को आगे ले जाएंगे और ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन सिलेंडर में भर सकते हैं, जो कि अभी हमको हॉस्पिटल में ज़रूरत है। तो इसके आगे की बात मैं आपको एक छोटा सा स्कीमेटिक दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो जैसा मैंने पहले कहा, ये हमारे यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन फैसिलिटी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की IIT बॉम्बे में, जो हमारी सेंट्रल फैसिलिटी है और यहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन हम सभी डिपार्टमेंट को रिसर्च करने के लिए देते हैं। सो इस प्लांट में एक कंप्रेसर होता है, एयर वेसल दिखाया है और यहाँ पे एक PSA यूनिट होता है। सो ये कंप्रेसर है वो बाहर के वातावरण से एटमॉस्फेयर से हवा ले लेता है और ये अराउंड 8 to 9 बार तक यहाँ पे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद में ये एयर वेसल में वो हवा जो है वो स्टोर होती है, इसे स्टोरेज वेसल बोलते हैं। नो जो बाहर की जो हवा है उसमें बहुत कंटामिनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर वेपर है, CO2 है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये हमको पहले निकालने पड़ेगी। तो ये निकाल के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये PSA यूनिट अभी जैसा है क्योंकि ये नाइट्रोजन फैसिलिटी है तो इसमें मॉलिकुलर सीव्स डाले हैं, इस लाइक ए फिल्टर। तो ये मॉलिकुलर सीव्स में सिर्फ नाइट्रोजन को हम बाहर अलाउ करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिजेक्ट करते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमको इसका उल्टा करना है। हमको ये PSA यूनिट में ऑक्सीजन को आगे भेजना है और नाइट्रोजन को हवा में बाहर फेंक देना है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम इसमें जो फिल्टर है या मॉलिक्यूलर सीव्स है वो हमने ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन जा सकता है उस साइज़ की बनाई है जो कि ज़ियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव बोलते हैं। तो हमने इसके कार्बन सीव निकाल देंगे और इसको ज़ियोलाइट में डाल देंगे और ऐसा यूनिट फिर आगे ऑक्सीजन क्रिएट करेगा और फिर वो आगे बफर वेसल में जाके मिलेगा। मेरे बाएं साइड में आप देखते हो ये एयर कंप्रेसर है जो मैंने बताया था, जिसमें हम बाहर के एटमॉस्फेयर से हवा लेते हैं और करीब 8 atmosphere or 8 बार तक उसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद में वो एयर स्टोरेज यूनिट में जाके बैठ जाता है। सो जैसा कि हमने देखा था, ये जो एयर वेसल है, बफर वेसल है, यहाँ पे 8 atmosphere or 8 बार को हमने एयर स्टोर किया है। सो यहाँ पे आप 3 यूनिट देखते हो, एयर वेसल, PSA यूनिट और यहाँ पे नाइट्रोजन बफर वॉल्यूम है, राइट। ये PSA यूनिट में हम नाइट्रोजन को सेपरेट करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर से नाइट्रोजन सेपरेट करते हैं। सो जैसे कि एयर वहाँ से आता है उसमें जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, वाटर वेपर है या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल है, वो सब सेपरेटर यहाँ से ड्रायर से इस यूनिट से हो जाता है और प्योर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ से इस PSA यूनिट में जाती है। सो PSA यूनिट में ऐसे मॉलिक्यूलर सीव्स है जिसमें हम सिर्फ नाइट्रोजन का अलाउ कर रहे हैं अभी इस प्लांट में। हमें जो करना है ये PSA यूनिट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो मॉलिक्यूलर सीव्स हमने नाइट्रोजन के लिए बनाई थी वो हम अभी ऑक्सीजन को लिए चेंज करेंगे। सिर्फ यही चेंज हमको करना है कि PSA नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूलर सीव्स थी हमको वो ऑक्सीजन के लिए कन्वर्ट करना है, जो कि हमने किया है अभी। सो ये यूनिट में से पहली मॉलिक्यूलर सीव हम निकाल देंगे और हम मॉलिक्यूलर सीव्स ऑक्सीजन में डाल सकते। सो जितने भी नाइट्रोजन प्लांट है दुनिया में या इंडिया में, उसमें हम PSA यूनिट के एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है PSA यूनिट में, जो कि मॉलिक्यूलर सीव्स है, वो हम चेंज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सीव्स ऐसे चेंज करेंगे जिससे सिर्फ ऑक्सीजन आगे जाएगा और इस बफर वॉल्यूम में बदल जाएगा। सो जैसे मैंने बोला था पहले, वहाँ से एयर कंप्रेस 8 बार को होकर आती है और इस PSA जनरेटर को ऑक्सीजन चेंज करने के लिए हमने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पैनटेक इनके साथ कोलैबोरेशन फॉर्म किया ना। हमने बिल्कुल एक आधे दिन में हमने MOU भी साइन करवा लिया और हमको ऐसा समझा कि स्पैनटेक ये PSA बिजनेस में ही है और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो यूनिट आपने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, जो नाइट्रोजन से आपने ऑक्सीजन में चेंज किया, अगर हाँ आप हमें वो यूनिट दे सकते
होम यूनिट को यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो फिल्टर्स मैंने बोला था, ये दोनों फिल्टर जो है यहाँ पे साइड साइड में लगाए हैं, एवरी 2 मिनट्स वो फिल्टर काम करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन तैयार होते हैं। और ये मुझे बताने को अति वेरी प्राउड टू से कि हमने 93-96 प्योरिटी यहाँ पे ऑक्सीजन की मिली है हमको, जो आज के दिन में हर एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो ICU में नहीं है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। थैंक यू। भारत में ये सेकेंड वेव कोविड का जो आया है उसके कारण ऑक्सीजन का शॉर्टेज सब जगह है भारत में, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी टीम एट टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स IIT बॉम्बे और स्पैनटेक इंजीनियर्स के साथ एक टीम बनाया 3-4 दिन पहले, और हम लोगों ने देखा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं PSA टेक्नोलॉजी, ये 50 साल प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो हमने देखा कि जो नाइट्रोजन प्लांट है एग्जिस्टिंग, अगर उसको क्विकली ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट कर दिया जाए 2-3 दिन के अंदर, तो उसमें जो ऑक्सीजन आती है उससे किसी भी पेशेंट या हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट। तो इसमें कंप्रेसर आपका है और इसके अंदर मॉलिक्यूलर सीव हैं जो नाइट्रोजन में अलग होती हैं और ऑक्सीजन प्लांट में अलग होती हैं। तो हमने अगर नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर सीव चेंज करके ऑक्सीजन वाली डाल दी जो बोलते हैं जियोलाइट, तो उससे आउटपुट 95% ऑक्सीजन आ रहा है इवन एट अ फ्लो रेट विच इज़ गुड फॉर हॉस्पिटल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्री और एकेडमी आपस में काम करें और काफ़ी इनोवेटिव सोल्यूशन निकालें तो भारत ये ऑक्सीजन की कमी कम कर सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ IIT बॉम्बे प्रोफेसर आत्रे जी को, स्पैनटेक के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर जी को और मेरी टीम को, और मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे और आइडियाज़ लाएँ जिससे भारत में हम आत्मनिर्भरता से अपनी देश की सेवा कर सकें और ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें अक्रॉस द कंट्री। धन्यवाद। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.